फैजाबाद धरना केस में तहकीकाती कमीशन तश्कील। अटर्नी जनरल ने नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस बोले, 4.5 साल गुजर गए, अब 60 दिनों में कमीशन को देख लेते हैं। किसी को अस्तस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। शेख रशीद की नजर सानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये कोई मजाक नहीं, जब चाहे दरखास्त दायर की, जब दिल किया वापस ले ली। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजर सानी दायर कर दी। नजर सानी दरखास्त इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई, ये सवाल हम पर भी उठता है। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार। तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 नैब मुकदमात में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। कहां गई तब्दीली, 4 साल में क्या बदला। हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। नवाज शरीफ का कोयटा में नून लीग के इजलास से खिताब। कहा, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने कोयटा, गवादर, योब और लोरालाई के बारे में सोचा। गवादर को सिंध के साथ मिलाया, कोस्टल हाईवे बनाई। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। पाकिस्तान और IMF मुजाकरात नतीजा खेज होने का इम्कान। MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जेवा पाकिस्तान के इकदाम से मुतमईन। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा रवां हफ्ते हो जाएगा। महसूलात की कम शरह पाकिस्तान के लिए असल मसला है। पाकिस्तान से टैक्स 2GDP शरह 15% करने का मुतालबा किया है।